ट्रैफिक है थोड़ा सा, लेट ट्रैफिक फिल्टर। सो गाइस हियर वी हैव टू ऑप्शंस भाई, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस है भाई यहाँ। ओह माय गॉड भाई, बैटमैन के साउंड सुनो। ओह माय रिएक्शन, चलो बाइक को भगाते थोड़ा। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत ही अच्छी होगी और भाई अच्छी होनी भी चाहिए। तो भाई आ चुके आप लोग के लिए नया ब्लॉग लेकर। भाई आप लोगों को याद होगा अपना ना R1M का प्रोजेक्ट ना हम लोग चालू कर रखा था, जो कि भाई कुछ दिनों के लिए मैंने रोक दिया था क्योंकि भाई मेरी तबीयत ना काफ़ी ख़राब हो रखी थी। तो भाई अब सीन कुछ ऐसा ना भाई, प्रोजेक्ट को फिर से अपन रीस्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और भाई अब ना भाई बाइक तो रेडी करके ही छोड़ना है भाई, पूरे बिहार में सिंगल बाइक होगी पूरी रेट्रो सुपर बाइक R15 V3 को कन्वर्ट करेंगे भाई R1M में, ठीक है, जो कि भाई 1000 cc की है। तो भाई अब आप लोगों को याद होगा ना पहले ब्लॉग जो मैंने देख रहे बंदों ने याद होगा कि भाई अपना ना टायर अरेंज नहीं हुआ था, जो कि अभी हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। तो भाई मैंने सेकंड हैंड के लिए बहुत ट्राई किया बाहर में, मैंने बात भी किया था, बट भाई जो है ना प्राइस वगैरह भी बहुत ज़्यादा लग रहा है और भाई टायर ना अवेलेबल नहीं हो रहा, मेरे को डर लग रहा है स्कैम वगैरह सा। तो मैंने सोचा ना कि भाई छोड़ो क्या ये सब चक्करों में पड़ना, भाई न्यू ले लेते हैं, थोड़ा बजट बढ़ेगा भाई कोई चक्कर नहीं है भाई, सभी हो जाएगा, ठीक है। तो भाई हम लोग परचेज़ करने वाले न्यू टायर। तो अभी चल रहे भाई मार्केट में भाई, तिलक मैदान रोड, वहाँ पे टायर का ना पूरा मार्केट है भाई। तो चलते भाई इधर से निकलते हैं, फिर आगे बात करते हैं आप सबसे। तो भाई लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं भाई ना, बहुत लंबे लंबे खर्चे होने वाले हैं, मतलब भाई काफ़ी बड़े बड़े खर्चे, मतलब मैं बोलूँ ना तो भाई अभी टायर जो लेने जा रहे हैं ना अपन भाई अप्रॉक्सिमेट मेरे को लगता है 5 to 6 thousand का पड़ेगा ही भाई, 5 से 6 हज़ार। पहले तो भाई ये चेक करो अपना गाड़ी बस्थान। तो भाई सभी लोगों ने एक बड़ी यहाँ से दर्शन कर लो, देख लो गाड़ी बस्थान मंदिर इधर। तो भाई अब ऐसा सीन है ना कि भाई जो भाई टायर है ना भाई, मेरे को लगता है ना 5000 to 6000 का पड़ेगा मेरे को, ठीक है भाई, क्योंकि टायर का प्राइस बहुत हाई होता है, कितना भी जान पहचान लगा लेंगे ना भाई फिर भी भाई उतना पड़ेगा ही, कोई चक्कर नहीं भाई। आप लोग इतने सारे खर्चे करते भाई, प्लीज़ आपको सपोर्ट करना और भाई आज के ब्लॉग को ना थोड़ा भी स्किप मत करना, क्योंकि भाई ब्लॉग में आगे ना आप लोग को देखने मिलने वाला है बहुत तगड़ा वाला बर्नआउट। भाई जो पहले का टायर लगा हुआ ना उसका साइज 140 है भाई, उसको लास्ट तक बर्नआउट करेंगे भाई, बहुत तगड़ा रिएक्शन आएगा क्योंकि भाई पब्लिक प्लेस में करेंगे बर्नआउट भाई, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ब्लॉग को जहाँ से देखो भाई और एग्जॉस्ट एक बार सुनो सब भाई, भाई एग्जॉस्ट चेक करो, देख रहे हो भाई लोग फिलहाल हम लोग जवाहरलाल रोड में। भाई अभी अपन चल रहे हैं ना भाई तिलक मैदान रोड, भाई वहाँ पर ना टायर्स का बहुत ही बड़ा मार्केट है, ठीक है भाई, बहुत सारे शॉप्स वहाँ पर टायर के। तो चलते हैं भाई उधर ही, और भाई आज के ब्लॉग में भाई तगड़ा वाला बर्नआउट देखने मिलने वाला है भाई, बर्नआउट, ठीक है भाई, तगड़ा वाला बर्नआउट करेंगे भाई अपने बाइक के टायर को, ठीक है। तो भाई आप लोग ना ब्लॉग को पूरा देखो भाई, अच्छा अच्छा शेयर करना, क्योंकि भाई इतने सारे खर्चे कर रहे और इतना मेहनत कर रहे भाई सिर्फ आप लोगों के लिए। तो भाई आप लोग चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो चलते भाई थोड़ी सी बाइक को भगाते हैं, ट्रैफिक है थोड़ा सा, लेट ट्रैफिक फिल्टर। जॉब सुन रहे भाई, ओ भाई साहब कसम से भाई तगड़ा, क्या साउंड कर रही बैटमैन, अभी देख रहे हो भाई पूरी चार्ज हो गई, देखो ओहो। तो भाई तिलक मैदान रोड आने ही वाला है भाई, और ये देखो चेन, ये देख रहे हो भाई, इसको ना हमने किचन बना दिया भाई, कैसा लग रहा है ये काउंटर बताना देखो। तो भाई लोग फाइनली पहुँच चुके हैं तिलक मैदान रोड भाई, यहाँ से देख लो भाई पूरा टायर का ना मार्केट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर ना बहुत सारे टायर है। तो भाई मुजफ्फरपुर से भाई कोई भी लोकल बंदा देख रहा था उसको पता होगा, और भाई आप लोगों को टायर वगैरह चाहिए ना तो भाई यहाँ पर ना अच्छे रेट्स में टायर अवेलेबल हो जाते हैं। तो पहले भाई चलते हैं राजीव ऑटो से भाई, यहाँ पर अपनी बाइक पार्क करते हैं, अपनी चाचू की शॉप है ये, तो यहाँ पर भाई पहले बाइक पार्क करते हैं और भाई फिर चलते हैं भाई टायर परचेज़ करना, दिखाते हैं भाई कौन सा टायर लेने वाला है हम लोग। तो भाई आज का शेड्यूल ना काफ़ी ज़्यादा बिजी है भाई, इधर देखो पहले अपनी बैटमैन पार्क हो रखी है, और भाई आज ना शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिजी है भाई, टायर परचेस करने का तो चलना है भाई अपने को मिठनपुरा, वहाँ पर भाई ना चस्का चाय कैफ़े का जो ऑनर है भाई अपने, तो भाई उनका मैंने पहले ही ब्लॉग बना रखा है, तो उनका ना एक स्टॉल ओपन हो रहा है मिठनपुरा ही रोड में, ठीक है। तो भाई उसको भी कवर करेंगे इसी ब्लॉग में भाई, उन्होंने इन्वाइट किया सुबह सुबह कॉल करके लकी तुम आ जाना, तो भाई उधर भी चलना है भाई। अभी चलते हैं फिलहाल टायर परचेस करने। तो भाई सामने देख सकते हो एक शॉप है गुड टायर करके, ठीक है, तो भाई यहाँ पर चलो ना टायर परचेज़ करने के लिए, और भाई देखते हैं कौन सा टायर देते हैं भैया, मेरे को तो भाई चाहिए था 160 या 170 साइज, बट यहाँ पर ना अवेलेबल नहीं है वो, तो कोई चक्कर नहीं भाई, देखते हैं यहाँ पर कौन सा साइज़ अवेलेबल है। तो शॉप चेक करो भाई, यहाँ पर ना काफ़ी सारा स्टॉक है, लोकेशन भाई है तिलक मैदान रोड, ठीक है,
राजीव ऑटो सर्विस भाई यहाँ सामने में, और भाई यहाँ पर ये शॉप है गुड टायर करके इनका शॉप का नाम है, तो यहाँ पे आप लोग विजिट कर सकते हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छी डील मिल जाएगी आप लोगों को। तो देखो ऊपर बहुत सारे टायर है, तो भाई देखते हैं कौन सा अपन लेते हैं अपने बाइक के लिए। सर अनकंडीशनल है, एक साल FOC वारंटी है, एक साल में कुछ भी होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक रुपया नहीं लगना, नया टायर मिल जाएगा मैक्सिस का ना। इसका क्या रजिस्ट्रेशन वगैरह का क्या प्रोसेस है? अब उस सब हम कर देंगे, मोबाइल नंबर मेल आईडी दीजिएगा। सो गाइज हियर वी हैव टू ऑप्शंस भाई, यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन है भाई। यहाँ पर देख लो भाई एक टायर है जिसका साइज़ है भाई 150, ठीक है। यहाँ पर देख लो भाई 150x60, ठीक है भाई। ये टायर का ना भाई इसका जो गारंटी वारंटी भाई बहुत ही तगड़ा है भाई, कुछ भी होता है ना भाई तो इसका कोई भी कंप्लेन वगैरह का ना चार्ज नहीं पे करना पड़ेगा, काउंटर पर डिस्प्ले प्रिंट हो जाएगी इसकी भाई, बहुत ही अच्छी सर्विस है भैया। तो मेरे को ये रेफर कर रहा है, बट मुझे लेने का भाई ये वाला मन कर रहा है क्योंकि भाई ये देखने में काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है, और भाई ये RC पे ना लगता है ये सेम टायर भाई। ये चेक करो एक बड़ी भाई, ये साइज़ मेरे को ना बहुत ही परफेक्ट लग रहा है भाई, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से भाई ये परफेक्ट लग रहा है। देखते हैं भाई कौन सा परचेस करते हैं हम लोग भाई। दो ऑप्शन दिया है भैया ने, एक मैक्सिस का है जो कि भाई अभी न्यू कंपनी वाले, लेकिन भाई इसका ना रिव्यू बहुत अच्छा आ रहा है, तो देखते हैं भाई दोनों से कोई एक टायर तो परचेस करना ही पड़ेगा अपने को, कौन सा ले लें। तो भाई लोग सीन कुछ ऐसा हो रहा है ना भाई कि ये वाला टायर ना अगर अपन कॉर्नर करते हैं ना बाइक को तो भाई बैलेंस बहुत अच्छा देगा, ग्रिपिंग बहुत अच्छी होगी, ठीक है बाइक स्लिप नहीं करेगी। बट भाई यहाँ वाला जो टायर है ना सेकंड सीट वाला, इसमें ये सीन है भाई, लुक वाइज बहुत ही अच्छा है बट भाई अगर इससे ना कॉर्निंग करते हैं बाइक को तो भाई स्लिप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि भाई ये फ्लैट है और भाई ये देख लो कर्व है, ठीक है। तो भाई ऐसा कुछ सीन है, तो भाई हम लोग सोच रहे हैं भाई यही टायर परचेस कर लेते हैं क्योंकि इसकी ना गारंटी वारंटी बहुत अच्छी है, सर्विस बहुत अच्छी है, इसका रिव्यू बहुत परफेक्ट आ रहा है, तो भाई यही ले लेते हैं अपनी बाइक के प्रोजेक्ट के लिए भाई। R1 पे ना यही लगने वाली है, बहुत ही सही लगेगा ये। तो भाई इसका बिलिंग वगैरह कराते हैं, फिर प्राइस वगैरह क्या पड़ा अपने को, ठीक है। तो भाई लोग भाई फिर से हो रहा है बहुत ज़्यादा खर्चे भाई, बाइक रेडी कर रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं पता नहीं चल रहा। तो भाई लोग टायर परचेस कर लिया हम लोगों ने, और भाई चलते भाई अब ना चस्का चाय वाले का जो भाई स्ट्रीट फूड का ना जो ओपनिंग हो रहा है ना स्टॉल का, वहाँ चलना अपने को भाई, टायर लेकर ही चलेंगे, और भाई वहाँ चल के ना भाई तगड़ा वाला बर्नआउट करेंगे अपने बैटमैन पे, इधर अपने टूरर भाई। तो भाई ये फिट होने वाला भाई अपने बाइक पे भाई, जो कि भाई कल करेंगे अपन, क्योंकि भाई काफ़ी बिजी शेड्यूल है भाई, टाइम बिल्कुल भी नहीं अपने पास भाई, देख लो कुछ ऐसा लगेगा लगने के बाद भाई लोग देख रहे हो। तो भाई लोग फिलहाल निकल रहे हैं भाई राजीव ऑटो सर्विस से भाई, और टायर परचेज हो चुका है भाई, और प्राइस की बात कर लो भाई कितना पड़ा हम लोग को टायर का, तो भाई टायर का प्राइस पड़ गया भाई अप्रॉक्स मेरे को 4800, और भाई फिटिंग वगैरह कराने के बाद मेरे को लगता है ये 5000 क्रॉस कर जाएगा भाई। देख रहे हो भाई इतने सारे खर्चे कर रहे सिर्फ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ भाई आप लोग ज़्यादा सारा वीडियो को ना सपोर्ट करो, अगर भाई चैनल पे न्यू व्यूअर तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब कर ही दो। तो भाई अभी चल रहे हैं हम लोग भाई मिठनपुरा। हाँ तो भाई लोग काफ़ी दिनों बाद आ चुके हैं भाई पार्क रोड, क्या बोलते हैं पब्लिक, थोड़ा भगाए क्या, चलो भगाते हैं भाई पार्क रोड में ना भाई, क्या बताए भाई काफ़ी दिनों बाद अपनी बैटमैन आ रही है भाई और ब्लॉक कर रहे हैं अपन, क्योंकि भाई यहाँ ये देखो भाई यहाँ पढ़ना भाई, ये चेक करो भाई पार्क रोड में भाई बाइक भगाने का मज़ा तो बहुत है, लेकिन भाई यहाँ पर ना पब्लिक भाई बीच में आ जाती है भाई। चलते स्टॉल पर देखते भाई क्या सीन रहता है भाई, आप लोग भी ना एक बार विजिट ज़रूर करना भाई वाले स्टॉल को, चलते भाई वहाँ का फूड भी ट्राई करेंगे और भाई रिव्यू देंगे ऑनेस्टली भाई कैसा टेस्ट आ रहा है। अरे भाई सब्सक्राइबर हमारे छोटे छोटे भाई लोग, क्या हाल चाल, कहाँ घूम रहे हो, कहाँ घूम रहे हो? अरे भाई 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 तुम लोग भी आओगे ब्लॉग में, बस यहाँ पर आए थे ब्लॉग करने, आवाज़ सुनोगे पुलिस वाले नहीं ना, देख लो पुलिस नहीं है ना, आवाज़ सुनोगे चलो बाय बाय। ओ भाई बैटमैन की साउंड सुन रहे हो? तो भाई लोग अब चलते हैं भाई डायरेक्ट उनके भाई जो स्टॉल है वहाँ पर, और भाई दिखाते हैं आप लोग भाई ज़रूर प्लीज़ एक बार विजिट करना यहाँ पर, क्योंकि भाई जैसा उनका रेस्टोरेंट का टेस्ट है भाई आई होप भाई यहाँ का भी टेस्ट होगा बिल्कुल, और मैं ट्राई भी करने वाला हूँ, ठीक है। तो भाई ट्राई करेंगे, और भाई लोकेशन तो भाई आप लोगों ने देख ही लिया होगा ब्लॉग में, वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का लोकेशन मेंशन कर दो, देख लो भाई ये स्टॉल है, ठीक है भाई। लुक वाइज तो बहुत ही अच्छा भाई, एक बड़ी थ्रॉटल दे क्या, पुलिस तो नहीं आ रही भाई मिठनपुरा, पुलिस का बड़ा सीन रहता। भाई कसम से ब्रो, तो भाई यहाँ पर देख लो भाई ये स्टॉल है, ठीक है यहाँ पर आप लोग विजिट कर सकते हो भाई 9 to 9 के बिल्कुल सामने लोकेशन, ठीक है।
चेक करो भाई एक बार, ठीक है। तो भाई लोग इधर अपनी भाई ना बैटमैन पार्क रोड रखी है और भाई इधर टू व्हीलर भाई भी है। तो भाई लोकेशन कुछ मैं क्लियर कर देता हूँ आप लोग भाई, 929 के बिल्कुल सामने है भाई स्टॉल, ठीक है। यहाँ पर ये चक्कर भाई जो चस्का चाय कैफे है भाई, ऑनर उनके यहाँ पर है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर ना आप ज़रूर विजिट कर सकते हो भाई इवनिंग के टाइम पे ना, मतलब आप लोगों को निकलना है घर से कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई करना है तो भाई एक बार यहाँ पर ज़रूर विजिट करना, क्योंकि भाई यहाँ का टेस्ट ना भाई अल्टीमेट बहुत ही तगड़ा होने वाला है। तो अभी हम लोग कुछ खाते पीते हैं और भाई दिखाते हैं आप लोगों को ब्लॉग में, चलो। तो भाई हम लोग ट्राई कर रहे हैं यहाँ पर चिकन रोल, ठीक है। भूख बहुत लग रहा था भाई, टेस्ट ना इसका बहुत ही तगड़ा है। एक बार आप लोग ज़रूर विजिट करो यहाँ पर, बहुत सही। तो भाई लोग अभी फिलहाल तो भाई हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं भाई, और यहाँ का फूड ना भाई बहुत ही टेस्टी था, ठीक है। तो अब भाई हम लोग चलते रहते, ठीक है। और भाई अब सीन कुछ ऐसा है ना कि भाई यहाँ पर ना बर्नआउट करना भाई सेफ नहीं है, क्योंकि भाई पुलिस का सीन होगा बहुत गलत वाला। तो अभी भाई हम चल रहे जिला स्कूल के साइड, ठीक है, वहाँ पर करेंगे बर्नआउट। ओरे बापरे दीदी, भाई साहब क्या स्पीड है दीदी का। तो भाई यहाँ पर ना भाई बर्नआउट करना भाई बिल्कुल सेफ नहीं है, डेट्स व्हाई अपन जा रहे हैं भाई अपन जिला स्कूल और वहाँ पर करेंगे बर्नआउट। अच्छा राहुल, और साथ में हमारे छोटे भाई मानस भी आए हुए हैं जो कि भाई बहुत ही सपोर्ट करते हैं भाई। ये लोग जो है ना भाई, देख लो ये लोग जो है ना भाई भाई स्टार्टिंग से मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है भाई, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलते हैं भाई जिला स्कूल और भाई को थोड़ा ना भगाते हैं अब यहाँ पर। तो लेट्स गो ब्रो, चलते हैं भाई इधर से भाई, रिएक्शन देखो। ओ भाई गॉड, भाई बैटमैन के साउंड सुनो, ओ भाई रिएक्शन, भाई क्या साउंड करती बैटमैन कसम से ब्रो। ओ भाई तगड़ा, आई थिंक सो कि भाई आगे पुलिस की चेकिंग होगी, देख लेते भाई क्या सीन रहता है। भैया डर गया, चलो बाइक को भगा दे थोड़ा। तो भाई लोग अभी चल रहे भाई जिला स्कूल में अपन एंटर कर रहे हैं, और भाई हमारे छोटे भाई लोग पीछे रह गए तो वो लोग आने देते हो, वो लोग आ गए, चलो कोई दिक्कत नहीं है। भाई जिला स्कूल का गेट जो है ना भाई बहुत छोटा है भाई, यहाँ पे हमारे एक और भाई मिल गए, क्या हाल चाल भाई। ये हमारे भाई हमारे साथ पढ़ते हैं भाई, कौन कॉल कर रहा है कसम से, वो मम्मा कॉल है। कैसे हो भाई, नाइस टू मीट यू, बिग फैन, सभी अपने भाई है। तो भाई चलते हैं जिला स्कूल में, अपन एंटर तो कर गए, यहाँ पर ना भाई बर्नआउट करेंगे बैटमैन पे भाई अपनी। चलो फिलहाल तो हम लोग भाई जिला स्कूल में भाई यहाँ का ना एक चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि भाई अपने को चाहिए भाई स्पेस बर्नआउट कर लिए, जिससे भाई पब्लिक ना यहाँ की परेशान ना हो, क्योंकि भाई सीन हो जाएगा ना, मेरे को सही नहीं लगता भाई कोई परेशान हो मेरे वजह से। तो भाई देखते हैं, अपन लोकेशन पर डिसाइड करते हैं कि बर्नआउट किधर करना है। यहाँ पर ना अपनी बैटमैन लग रखी है और भाई अभी ना यहाँ पर करना लगा बर्नआउट। तो भाई यहाँ पर तो बर्नआउट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्लिप करेगा। तो भाई बर्नआउट करने वाले हम लोग यहाँ पर, और भाई अब आप ना बर्नआउट चेक करो भाई, चलो। पब्लिक चेक करो भाई, भाई अनोन लोग भी रिकॉर्ड कर रहे हैं कसम से ब्रो, भाई तगड़ा। भाई देख रहे भाई कितने सारे लोग भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई, देख रहे हो, चेक करो एक बारी भाई साहब, भाई पीछे ना पूरा धुआं धुआं हो रखा है। भाई देख रहे हो भाई पब्लिक भाई कितनी ज्यादा हो गई, देख रहे हो भाई पूरा ना धुआं धुआं हो रखा है कसम से ब्रो, भाई तगड़ा। बच्चे लोग भाई देख रहे हो भाई, चेक करो भाई भीड़ देखो भाई, कितने सारे लोग आ रखे हैं भाई कसम से, बहुत तगड़ा भाई, भाई सभी रिकॉर्ड कर रहे हो ब्रो, भाई भीड़ देख रहे हो भाई, आरपीएम चेक करो भाई। बर्नआउट कंप्लीट हो गया, बट भाई बर्नआउट का देखो भाई क्या सीन हुआ, देख रहे हो ये चेक करो भाई, पूरा ना भाई रबड़ ना घिसकर नीचे गिर गया। लोग बर्न आउट हो चुका है कंप्लीट, और भाई टायर का क्या सीन हुआ वो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, ये चेक करो भाई, देख रहे हो अभी थोड़ा सा ग्रिप बच रखा है, बट भाई टायर ना ख़त्म हो चुका। कैसा लगा बर्न आउट? अच्छा लगा भाई, अच्छा था ना।
तो भाई टायर कंडीशन देखो भाई, ये ना खत्म हो रखा है, इसको चेंज कर देंगे, अपने परचेज कर लिया न्यू टायर, तो उसका ना भाई सेपरेट ब्लॉग कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई आज का ब्लॉग अपने इधर एंड करते हैं, हेयर वगैरह साइनिंग ऑफ, टाटा बाय, सी यू, सबको दिल से प्यार भाई। अगर अच्छा लगता है ब्लॉग तो भाई शेयर कर देना अपने फ्रेंडों के साथ, मिलते हैं जल्दी नए कंटेंट के साथ, अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।